रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जिलाधिकारी से मिला समाजवादी प्रतिनिधि मंडल, सपा कार्यालय दारुल आवाम की सील हटाने की मांग। 5 दिसंबर 2022 को बताया रामपुर के इतिहास का काला दिन। 10 नवंबर 2023 रामपुर के इतिहास का काला दिन। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी रविंद्र कुमार से मिला। प्रतिनिधि मंडल में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष पूर्व लोकसभा प्रत्याशी आशिम राजा और शाहबाद विधानसभा के पूर्व विधायक विजय सिंह समेत सपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। 10 नवंबर 2023 को रामपुर पब्लिक स्कूल के साथ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय दारुल आवाम पर लगाई गई सील को जल्द से जल्द हटाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। डीएम साहब से मिले, आज क्या है मामला? हमने डीएम साहब तक ये बात पहुंचाई है, चूंकि अभी दिवाली की छुट्टी चल रही थी, मुलाकात नहीं हो सकी। डीएम साहब तक ये बात पहुंचाई है कि 10 नवंबर को रामपुर में जो कुछ हुआ बहुत अभिनव घटना है, संविधान के खिलाफ है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, हमारे मौलिक अधिकार पर डाका डाला गया है। शासन ने मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई 41,181 वर्ग फुट जमीन का पट्टा रद्द कर दिया। जमीन या भूमि जो भी कुछ है, उस पट्टे को रद्द करने के बाद शासन के आदेश को इम्प्लीमेंट करना था। 41,181 फुट जगह वहाँ जहाँ आरपीएच चल रहा है जौहर ट्रस्ट के द्वारा, जिसको जमीन आवंटित थी वही ट्रस्ट स्कूल चला रहा है, वहाँ 41,181 वर्ग फुट जगह मौजूद थी। उस पर कब्जा करने के बाद जो बराबर में स्थित है समाजवादी पार्टी कार्यालय के भवन दारुल आवाम, पुलिस अधिकारियों ने और प्रशासन ने उस पर भी ताला डाल दिया, जबरन कब्जा कर लिया। सारे कागज हम दिखाते रहे, वो किराए की जगह है, वक्फ प्रॉपर्टी है, हम इसीलिए आए थे कि उसको रिलीज करें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया कि अगर 41,181 वर्ग फुट वहाँ जगह मौजूद है तो हम फौरन रिलीज करेंगे। अच्छा, तो हुआ अगर हुआ। अच्छा, डीएम साहब की तरफ से कमेटी गठित की गई है, उस कमेटी में ये कहा गया कि जो बच्चे जो चाहें वो अपने अपनी जगह पर एडमिशन ले सकते हैं, मतलब कुछ प्रशासन की तरफ से पहल भी की गई है। प्रशासन का मसला है जो भी उसने कहा है, लेकिन लोगों बच्चों के साथ जाती तो हुई है ना, बच्चों को कहाँ कौन एडमिशन दे देगा, कौन स्कूल दे देंगे, यहाँ आधे से ज़्यादा सेशन गुजर चुका है, वहाँ एडमिशन कौन दे देगा? यहाँ 20 रुपये फीस में लोग पढ़ रहे थे, 20 रुपये फीस में कौन पढ़ा देगा? और बहुत ज्यादती हुई है रामपुर के साथ। 5 दिसंबर 2022 का दिन रामपुर के इतिहास में काला दिन था, और 10 नवंबर 2023 ये एक और काला दिन था, जब बिल्कुल अवैध तरीके से पुलिसिया ताकत के बल पर जबरन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर कब्जा कर लिया और ताला डाल दिया। उसके कागजात होते हुए, सारे साक्ष्य होते हुए, सारे सबूत होते हुए, और 41,181 वर्ग फुट वहाँ जगह मौजूद है, 1 इंच उससे बाहर नहीं है, फिर भी वहाँ ताला डाल दिया। आपका आरोप है कोई सुनने वाला नहीं है, क्या कोर्ट जाएंगे? अब वो देखेंगे क्या करता है। फिलहाल तो हमने डीएम साहब से कहा है कि जो नाजायज काम आपके जनपद में हुआ है, आप सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, हकीकत जानिए, तथ्य तक पहुंचिए और उसको रिलीज करिए। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानव अधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।